हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार जैन दीपक बायोलॉजी क्लास एंड हॉस्टेलर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं दीपक बायोलॉजी क्लास एंड हॉस्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो आपको आप ये देख सकते हैं, इसमें जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है पढ़ाई से एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके वीडियोस को भी रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से आया, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन में आपका गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, MSc इन एक्वाटिक बायोलॉजी बायोफिस्ट्री में होना चाहिए, या जूलॉजी या इंडस्ट्रियल फिशरी या मैराइन बायोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है नेट का सर्टिफिकेट भी होना मैंडेटरी है। अगर आप जो है SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% जो है वो यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आपको 500 जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए। वहीं अगर SC ST आप हैं तो आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर हमारे के रेमुनरेशन की, तो यहाँ पे आपको 40,000 पर मंथ जो है आपको सैलरी दी जाएगी। लास्ट डेट डेस्ट डेट वो 10 अगस्त इवनिंग 5 PM है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है, और जो अप्लाई करने के लिए इन्होंने वेबसाइट मेंशन कर रखी www.recruit.kerlauniversity.ac.in। तो यहाँ पे आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं या डॉक्यूमेंट हैं इंक्लूडिंग मार्कशीट, उसका जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो आपको इंटरव्यू के टाइम ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो भी एलिजिबिलिटी वो आप क्लियर होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपको कोई भी जो है हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। तो आपको अगर यहाँ पे आपने ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, आपको कोई भी जो है हार्ड कॉपी वो सबमिट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।